वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सारे भाई बहुत ही अच्छे होंगे और मजे में होंगे। अगर आप मेरे वीडियोज को ऐड के थ्रू देख रहे हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार ये वाला वीडियो पूरा वॉच कर लो ताकि मुझे वॉचिंग टाइम कंप्लीट करने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। अगर आपको भी ऐड के थ्रू ये वीडियो देखने को मिली है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो साथ में मेरे चैनल पर विजिट करके 2-3 वीडियोज पूरा देखो और अपने भाई को सपोर्ट करो। घर से 2 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ एक बस स्टॉप के नियर बाय। यहाँ पे मुझे अनबॉक्सिंग करना था, घर पे ज्यादा स्पेस ना होने की वजह से मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा सुबह का टाइम था, बाहर ट्रैफिक क्लियर होगी तो मैं बस स्टॉप पे जाके आराम से अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ। अभी जो मैं हेलमेट यूज कर रहा हूँ वो ऑफ रोडिंग के लिए था और मैं काफी लंबा टूर वगैरह करता हूँ जिसकी वजह से वो हेलमेट कंफर्टेबल नहीं था और वो काफी लाइट वेट भी था, इसलिए मैंने अमेजोन से एक इग्नाइट का हेलमेट ऑर्डर किया है। अभी मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया, एक बॉक्स को ओपन किया उसके बाद भी एक अंदर ब्लैक बॉक्स था। अभी वाला हेलमेट मेरा वेगा का ऐसा, डेली मुझे वेगा से इग्नाइट पे स्विच करना पड़ा। रीजन ये था क्योंकि वेगा में कलर ऑप्शंस नहीं थे, मैं ऐसा हेलमेट ढूंढ रहा था जो मेरे बाइक के कलर के ऊपर एकदम से मैच हो, तो मुझे लास्टली इग्नाइट का हेलमेट दिखा जो कि ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन का था। पुरानी बातों को छोड़ते हैं अभी टाइम है इस वाले हेलमेट को अनबॉक्सिंग करने की। बॉक्स की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छे से पैकिंग किया गया था, ऊपर थोड़े बहुत मैनुअल लिखे थे, साथ में सबसे प्यारा मुझे इग्नाइट का लोगो लगा जो कि ऑरेंज और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बना था। बॉक्स ओपन करने के बाद अंदर मुझे एक डायनासोर का अंडा मिलता है जो कि काले कलर के कपड़े में पैक था। वैसे कुछ भी कहो, इग्नाइट वालों ने पैकेजिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा किया, हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा है, लेकिन देखना यह है कि एक्चुअली पैकेजिंग के ऊपर ही खर्च किया गया या फिर हेलमेट के ऊपर भी स्क्रैच ना लगे उसकी वजह से इग्नाइट वालों ने एक अच्छे से सॉफ्ट कपड़े में इसको पैकेजिंग कर रखी है, साथ में बहुत ही अच्छे से गिफ्ट की तरह उसको रैप करके बांध भी रखा है। जल्दी जल्दी से मैं धागे को खोलता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको बांधा गया था। कवर को हटाने के बाद पता चलता है कि अंदर तो एक और कवर लगी हुई है जो कि बबल सीट की कवर है। मोस्ट हमने कार्टून और कपड़े को लेके ये मेरा चौथा कवर है जिसको हम खोलने वाले हैं। चलो यार जल्दी जल्दी खोल लेते हैं बिकॉज कवर खोलने में ही टाइम ज्यादा लग रहा है हमारा। लेकिन अभी तो रुको, इग्नाइट वालों ने हेलमेट के अंदर हमारे लिए कुछ सरप्राइज भेजा है। एक्चुअली हमारे लिए नहीं, सबके लिए होता होगा। हमें मिला है की रिंग जो कि इग्नाइट के लोगो के साथ आता है और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ यार इग्नाइट का लोगो काफी ज्यादा ऑसम लगा मुझे। साथ में थे 2 स्टिकर जो कि वाटरप्रूफ थे, आप चाहो तो इसको बाइक पे भी लगा सकते हो या फिर हेलमेट पे पेस्ट कर सकते हो। मैं तो बाइक पे पेस्ट करने से रहा इसलिए मैं सोचूंगा कि हेलमेट भी बाद में कभी टाइम मिले तो लगा लूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर क्या रहे, अपने भाई को करो सपोर्ट, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, साथ में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ही जाना और हमेशा सपोर्ट क्या करो अपने भाई को। अभी के लिए स्टिकर और कीरिंग को रखते हैं साइड में बिकॉज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा वेट कर रहा है। अब ये देखना है कि यार हम जिसका वेट कर रहे थे 5 दिनों से वो दिख कैसा रहा है। अभी जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो पहले स्टार्टिंग में मुझे आगे का विंडो दिखा जिसके ऊपर कुछ स्टिकर्स वगैरह लगे थे। जैसे ही मैंने साइड का लुक देखा यार एकदम परफेक्टली मेरे बाइक के कलर से मैच भी हो रही थी, ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की। हेलमेट को हाथ में पकड़ने के बाद फील हो रहा था कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है। बहुत सारे हेलमेट का बिल्ड क्वालिटी के साथ उसका वेट भी बढ़ जाता है। प्रेजेंटली मैं जो वेगा का हेलमेट यूज कर रहा हूँ तो ऑफ रोडिंग है और वो काफी लाइट वेट है, बट ये वाला जो हेलमेट है वो मुझे एवरेज लगा क्योंकि स्पोर्ट बाइक के लिए ये बेटर था। थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन लिखे थे जिनको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी हेलमेट पहनने की, इसलिए मैंने जल्दी से स्टिकर को निकाल दिया। एक और स्टिकर जो कि ब्लैक शीशे पे लगा था, अभी पता चलता है कि यार 2 स्टिकर निकालने के बाद मुझे पता चला कि एक और स्टिकर भी बचा हुआ है जो कि व्हाइट वाले शीशे के पीछे की साइड है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था, मैं सोच रहा था कितना जल्दी हेलमेट को पहन के ट्राई करूं यार बिकॉज ये एल साइज था और मुझे डर था कहीं मुझे एल होगा या फिर नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारा स्टिकर हमने निकाल लिया है, सामने से देख सकते हो ये हेलमेट एकदम परफेक्टली मेरे बाइक के ऊपर मैच कर रही है, ग्रीन ब्लैक एंड ग्रीन ब्लैक। साथ में आप सारे भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि मेरे हेलमेट का कलर कैसा लगा आपको, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया मेरा हेलमेट। अभी ये है मेरा पुराना वाला हेलमेट, इसका कलर व्हाइट था और ये मेरे बाइक के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे ऐसा नहीं है कि इस वाले हेलमेट से मैं हेट करता हूँ, ये भी हेलमेट मेरा पुराना वाला मेरा लव था क्योंकि मेरा राइडिंग का फर्स्ट हेलमेट है। एल साइज होने की वजह से नया वाला हेलमेट एकदम से मुझे फिट आ रहा था, वैसे एक्सेल जो पहले वाला वेगा का था वो मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। वेट, कलर एंड बिल्ड क्वालिटी तीनों में ये हेलमेट मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसमें जो ग्राफिक्स वगैरह बने हुए थे उसकी वजह से ये हेलमेट काफी ज्यादा कूल लग रहा था और सबसे कूल बात ये है कि ये मेरे बाइक के ऊपर परफेक्ट मैच होती है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे नोटिस करने वाले हैं क्योंकि सेम कलर की बाइक और सेम कलर की हेलमेट। होप कि आपको मेरा ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए अभी कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।